मैसेज कर जो कि ईमान आपी को लेके आओ, ईमान आपी को लेके आओ, क्या करो, रुखसती करो, क्या क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी शराबत का गलत ना उठा, मैं साल का इंतजार नहीं कर सकती। मामा जी जो ये इस तरह की बगैरतों वाली हरकत कर रहे हैं ना, बगैरतों वाली हरकत, लाख की लानत आपके मुंह पे। बेशुमार दे रहे थे, बेशुमार दे रहे थे, लोगों नाल फ्रॉड ना कर झूठिया। अच्छा केड़ी मीटिंग चल रही है, अल्लाह खैर करे। खैर ये की मीटिंग हो रही ना कि ओहो सरकार तुसी किधर सुबह 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 हाँ 7 बज रहे हैं सुबह सुबह यार आप बैठे हैं सरकार, मेहमान आए हैं। क्या हुआ, खैर है, पंचायत बैठी हुई है, क्या हुआ? मैंने सैयद बादशाह को बुलाया, तेरे पापा ने, मैंने, क्योंकि हमें ना वो शादियां देख देख के दिल कर रहे की हमारी भूख। आपकी अभी कोई उम्र है शादी की मामा जी? आपने क्यों शादी करनी? अच्छा मैं कह रही हूँ कि आपका दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो। ऐसे ही तो नहीं, हैदर की शादी के बारे में आप तो नहीं बात कर सकते, उसके अब्बा अम्मा जिंदा हैं, वो खुद करेंगे। नहीं तो सैयद बादशाह की बैंड बाजा बजाना उन्होंने, वो तो मेरा छोटा, उन्हें की करना है, मैं तो मनिया, मैं मनिया, उन्होंने कहा मेरी शादी हो गई, ऑलमोस्ट शादी तो हो गई मेरी। घर चले जाओ, तीन चार दिन उसके पास रहो, जाओ किसने क्या है। हाँ तो क्या है उसको घर लेके भी सही मकसद वो दसो, असि चाहे कम हुए है ना, मजाक है, मजाक है, फिर कहते बूटा गला कटता। ओए तू अल्लाह की कसम बड़ा, तू ना थैली का बैंगन है, तू कल मेरे आज आज उन्होंने मुझे बुलाया ना, तो आज मैं उनके कहता आज उन्होंने मुझे बुलाया, आज मैं उनकी तरफ। ओए मेरी बात सुनो, अभी ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, कोई सीन दूर दूर तक ऐसा नहीं है, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, अभी घर लिया है, अब घर की रेनोवेशन स्टार्ट होनी है, अच्छे खासे पैसे उसके ऊपर लगने हैं। मैं पाउडर नहीं बेच रहा यहाँ पे, अपने मेरी माँ उठे आए आप ही वाल लगे ना यार, की हो की गया तेन यार, ईमान ईमान हो गया जी, मैनू हद हो गई यार, मेरी माँ उठे वे, मेरा भरा उठे वे, मैं आप वाल लड़ने का। मामा आपका दिल कर रहा है तो मैं आपका और पापा का निकाह दोबारा करवा देता हूँ, कोई बात। और गल समझा इन्हें यार, यार तू तो हर चीज का पता है, तू कले कले मेरे अकाउंट बैलेंस का भी पता, कैसी गल करी जा रहे हैं यार, तू कितों व्याह कर लवा मैं। नहीं आप तुम धमाके ना करो। अच्छा बड़ी गल है, बड़ी गल है, इन्होंने सिर्फ बैचलर्स पार्टी जो मेरे जिम्मे लगाई है वो मेरे वलीमे से महंगी बैचलर्स पार्टी है, ठीक है ना, तो कह रहे हैं तुम धमाके ना करो, चुप करके ले आओ, बड़ी गल है। आए हाँ जी मुझे पता है, आपने जरा माफी नहीं देनी मुझे, शादी मेरी जो है वो चुप चपीते नहीं हो सकती, आपको पता शोर शराबा होना ही होना है, तो आप जरा थोड़ी देर वेट कर लें, आपकी मेहरबानी, ज्यादा नहीं सिर्फ एक साल। क्या क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी शराबत का गलत फायदा ना उठा, मैं साल का इंतजार नहीं कर सकती। मामा जी आप साल का इंतजार नहीं कर सकते, तो मैं आपके यहाँ निकाह करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। ओए मामा, मामा जी ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, पापा जी ऐसे नहीं करूंगा, कसम खुदा की ऐसे नहीं करूंगा। मैसेज कर दो कि मैं ईमान आपी को लेके आओ, ईमान आपी को लेके आओ, क्या करो, रुखसती करो, मेरे बच्चों बरात वलीमा मेहंदी के पैसे भी भेज दो, ठीक है ना। हाँ पैसे देंगे, चौदह पैसे
पैसे बहुत ने अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का देना नहीं, लेकिन काम भी उतना ही रख मेरी। चुप करो, आपकी ईमान की किस्मत का ही घर भी मिल गया है, अब उसकी रेनोवेशन भी होने लगी है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन इतने नहीं है कि मैं अब शादी भी कर लूं। शादी में कितने पैसे लगने पता आपको? पागल है तू, पागल है। मम्मा मम्मा जी मैंने आपको मारना है, आपको बता रहा हूँ। अच्छा सॉरी 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 यार मेरी बात सुनो, मुक्ति मुकाती बात ये है कि इस साल के एंड तक हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, मैं पैसे चार जोड़ लूंगा भाई, अभी जितने कमा रहा हूँ ना। अच्छी होती कोई फरमाइश कोई डिमांड है ही, तेनू की तकलीफ है? मम्मा जी कोई फरमाइश कोई डिमांड नहीं है, लेकिन शादी होनी तो रजबट दी है ना, होनी तो रजबट दी शादी है ना। हाँ जी मम्मा ये क्या गंदी बात की आपने, ये आपने क्या गंदी बात की, मुझे बीप लगानी पड़ी उसके अंदर। और बस कर तू दस 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 सही, जे तू ऐसे कोई बकवास की थी ना, जिते जावे ना जिते जावे करी, लोग जो बैठे होने खड़े होते ना, जो खड़े होने भाई अंदर लड़की मैं लेके आऊंगा घर, लेकिन पूरे तौर तरीके से पूरे रोले रपे से पूरे ठाठा से समय लगे थोड़ा, और नका होया इंटरनेट हिल गया सारा, सारा इंटरनेट हिल गया तो क्या मेरी बात सुनो। इस साल के एंड में इंशाल्लाह पैसे कुछ जोड़ लूंगा, फिर हम करेंगे इसके ऊपर बात, ये फजूल की जिद है, ये काम नहीं हो सकता। अच्छे खासे चौखे पैसे चाहिए शादी के लिए, ठीक है, चौखे पैसे हैं मेरे पास, लेकिन रेनोवेशन स्टार्ट की है, अभी शिफ्टिंग कर रही है वहां पर, आपकी मैं आ गई ईद आ रही सर पे, खुदा का खौफ करो, होश के नाखून लो, ऐसे बैठे बैठे किसी भी चीज की जिद ना पकड़ लिया करो, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। नहीं कोई नहीं, अच्छा एक मिनट यार, खत्म हो गई यार ये बात, कोई कमेंट नहीं करेगा, ईमान को लेके आओ, अभी टाइम है, ईमान अभी अपने घर में बैठी हुई है, मैं अपने घर में हूँ, जब टाइम आएगा हम उसको लेके आएंगे। तुसी लिल विच नहीं बानी जरा, तुसी कमेंट करते हो ना, मेरे आने का मकसद क्या होगा, तेरे आने का मुझे वैसे पहले नहीं आ सकता, वैसे मैं आ सकता हूं, मोटरसाइकिल से बात माननी है ना, ऐसी माननी है बात, मोटरसाइकिल मिल गई तुम्हें। अच्छा हमने एक जरूरी बात आप लोगों से शेयर करनी है, बताओ कौन सी मामा जी? हाँ, वो भी बहुत हुई। हाँ, कल रात को एक स्कैम अलर्ट, क्या कहूँ मामा, जब आप कहो कि इस साल के एंड में कर लूंगा, चलो बैठो। अच्छा रात को एक स्कैम अलर्ट हुआ जी, वैसे तो स्कैम आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही घटिया किस्म का स्कैम रात को हुआ, जिसके हमें स्क्रीनशॉट भी आए हैं, वॉइस मैसेजेस भी आए हैं, हमने वो शेयर कर रहे हैं आपसे, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपके साथ ऐसा सीन ना हो, आपको पता लग जाए कि हाँ जी ये चीज सच है और ये झूठ है। बैठो 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 बैठो। अच्छा जी स्कैम ये हुआ है, कल रात को हम अभी शादी से वापस आए ही हैं, तो मुझे एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, मैंने सुना, वो वॉइस मैसेज था जुहेब और दानिश की अम्मा का, जुहेब और दानिश का, जुहेब और दानिश आपको याद होगा हमने शाउट आउट दिया था इस सोफे पे बिठा के, दो बच्चों को जो स्पेशल चाइल्ड थे उनकी अम्मा बाबा उनको लेके इस्लामाबाद से आए थे, और आप लोगों ने बहुत मेरी इज्जत रखी थी उसमें, ओवरनाइट उनके 60,000 सब्सक्राइबर हुए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक रात में 60,000 सब्सक्राइबर उनकी तरफ गए थे, और आप लोग उनके व्लॉग्स फॉलो भी करते हैं, वो अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी अम्मा का मुझे वॉइस मैसेज आया, वॉइस मैसेज क्या आया मैं आपको दिखाता हूँ, और उन्होंने साथ स्क्रीन शॉट भेजे, ये देखें भाई, क्लोज लेके आओ कैमरा, ये देखें पहले वॉइस मैसेज सुने। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है रजब, कैसे हैं आप? आपसे मुझे बात करनी थी, मेरे पास ना इंस्टाग्राम से मैसेज आ रहे हैं कुछ, तो मैं वो आपको भेजती हूँ, आप भी बताएं कि आपकी ये फैमिली में किसी का नंबर है क्या? ये देखें ये जुहेब और दानिश के नाम से मेरे पास उनका नंबर सेव है, ये उसकी अम्मा है, ठीक है, और ये वॉइस मैसेज आया रात को 12:47 पे, और फिर ये मैसेजेस आए, ये आईडी बनी हुई है माँ जी के नाम से, और ये हमारी ऊपर डीपी लगी हुई है, ये गजल बाबा अम्मा और मैं, ठीक है, ये देखो ये आपकी मेरी डीपी लगी हुई है सारी हमारी फैमिली की, माँ जी के नाम से, क्योंकि आप मशहूर हो पूरे इंटरनेट पे यूट्यूब पे हर जगह पे माँ जी, ठीक है, आगे आओ, ये बंदा जिसने ये आईडी बनाई हुई है माँ जी की मम्मा की, मैसेज करता है आंटी को, आंटी का नाम मुझे नहीं पता, ना ही मुझे उनकी इंस्टाग्राम की आईडी पता, कैसी हो आप? उन्होंने रिप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं, सब बेहतर माशाल्लाह, आप कैसे हैं, बेटा कैसा है, वो दोनों भी ठीक हैं, आपको बहुत याद करते हैं, लगा ले चक्कर, जी जी बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह, कुछ मसले हैं, मौला सब ख्याल करे, प्रॉपर अम्मा की तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह अम्मा बात करती है, अमित भाई हाल चाल पूछ रहे हैं, पता लग रहा है, इसको भी पता लग रहा है अभी, ठीक है, उसके बाद बस आप हमारे लिए दुआ करें, ये जुहेब और दानिश की अम्मा कह रही है, ठीक है, फिर वो कहीं से बात करता है, ये पता नहीं बीच में कुछ चैट मिस आई थिंक, हाँ ये देखें अब वो आ रहा है अपनी एक्चुअल बात की तरफ, कुछ ना स्क्रीनशॉट मिक्स हो गए हैं बीच में, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आया है, आप जैस कैश कर दें, नंबर भेज दें, जुहेब दानिश की अम्मा कह रही हैं आप पैसे मांग रही हैं, अल्लाह रहम करे, अभी भिजवा दें, ठीक है, ओके,
ये नंबर दिया उन्होंने 0327, मैं ये नंबर हाइड नहीं करूंगा। अगर मेरा नंबर होता ना मैं हाइड करता, शायद मैं मंगे होंगे, मैं लगता है तू मंगे करवा के मुझे बता देना आप अभी का, ते मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं, मौला खुश रखे आपकी, मौला मुश्किलें दूर करे। ठीक है, वो कह रही है अभी, ये फिर कह रहा है अभी भिजवा दें। ओके, ये सारी पुरानी चैट आ गई। ठीक है, ये आगे आया कुछ कुछ उन्होंने चैट कही है, अभी एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, जितने हैं समझी नहीं आपकी बात, माँ जी वीडियो कॉल करें। अभी इस दुहेब और दानिश की अम्मा कह रही है कि आप जरा वीडियो कॉल करें, शायद उनको शक हो गया हो, उनको लगा हो कि नहीं भाई अम्मा पैसे नहीं मांग सकती, ये कोई फ्रॉड है। उन्होंने कहा माँ जी वीडियो कॉल करें, आपको क्या ट्रस्ट नहीं, मैं रजब को नहीं बता रही इसलिए आपको बोला है, बेवा औरत है उसकी हेल्प हो जाएगी। ओए होए होए, अब वो कह रही है मतलब जिसने आपका अकाउंट बनाया है ना, वो दुहेब और दानिश की अम्मा को कह रही है कि मैं रजब को नहीं बता रही, आपको मुझ पर यकीन नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं मैं आपको वीडियो कॉल करूं। ठीक है, बेवा औरत है उसकी हेल्प हो जाएगी, आप 20,000 रुपया फॉरन भेज दी। ठीक है, और आगे लिखा है अगर आप नहीं कर सकती कोई बात नहीं, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है पर कोई बात नहीं, मौला खुशी रखे। ठीक है, ये नंबर है करवा के मुझे बता दें, ये सारा है। अच्छा खैर है ना सब, अच्छा मैं आपको एक नंबर देती हूँ उस पर 20,000 तो भेज दें, बेवा है। हाँ ये पुराना स्क्रीनशॉट अब आ रहा है। ठीक है, मतलब वो आगे पीछे हो गया। ये उन्होंने मैसेज किया कि 20,000 रुपया आप जैस कैश करवा के स्क्रीनशॉट भेज दें, हम खुद थोड़ा फाइनेंशियल मसले में हैं जिस वजह से हम आपके पास नहीं है, हम आपके पास नहीं आ सके मिलने। ठीक है, ये जुहेब दानिश की अम्मा कह रही है। ठीक है, लबन भाव यह कि अम्मा की किसी ने फेक आईडी बनाई है, पहले भी बनी हुई है लेकिन मेरी बनी है, ईमान की बनी है, गजल की बनी है, कोई बात नहीं, आपकी आईडी बनाई है मांझी के नाम से, और जो लोग हमारे पास आते हैं शाउट आउट लेते हैं जो खुश होकर जाते हैं, ठीक है ना, उनको मैसेजेस कर रहे हैं कि 10,000 भेज दो, 20,000 भेज दो, मैं रजब की अम्मा बात कर रही हूँ, इसकी हेल्प करनी है उसकी हेल्प करनी है। मेरी गल सुनो, अपनी माँ दी, अपने घर दी, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की जरूरियात पूरा करने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले 10 साल पहले भी इकल्ला बहुत सा, मैं अज भी इकल्ला बहुत हूँ, मतलब किसी को पैसे मंगने की लोड़ नहीं। ठीक है, जो ये इस तरह की बगैरतों वाली हरकत कर रहे हैं, बगैरतों वाली हरकत, लाख की लानत आपके मुंह पे, मैं तो खुद बेशुमार दे रहे थे, बेशुमार दे रहे थे। हाँ जी, अल्लाह तेरा भला करे, मेहनत कर, जिस जमे ने करता है ऐसा मेहनत करके किसी की अमदाद कर, लोगों फ्रॉड ना कर, झूठिया। ठीक है, झूठा है, झूठी है, जो भी है, बड़ा गुस्सा करके, लेकिन यह है बहुत बगैरतों वाली हरकत है। आप जो मैंने थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है ना, उसको 2 मिनट में रौंद देते हैं, क्योंकि उसकी माँ के जहन में, आंटी के जुहेब और दानिश की माँ के जहन में 1 मिनट के लिए आ गया होगा कि शायद अम्मा को जरूरत है, जबकि मेरी माँ को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जरूरत, मैं हूँ उनकी पूरी करने के लिए, जब नहीं रहूंगा उसके बाद के लिए इंतजाम करके जाऊंगा, तो ये काम नहीं करूँ। ये तो भी एक जो आया था आपने, और पता नहीं कितने मैसेज मनु फेसबुक के अंदर है कि भाई ये आपकी आईडी बनी हुई है, ये हमसे पैसे मांग रहा है। मैं सीधी सी बात करी, मुझे तो अपने नंबर का तक नहीं पता, मम्मा का नंबर नहीं आता, अवैस मम्मा का नंबर लिखवाता, मुझे तो नंबर अपना नहीं आता बेटे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी जान छोड़ दे, हमारी जान छोड़ दे, हमें गंदा ना करे, जो इज्जत हमें अल्लाह ने नवाजी है उसके पीछे मत पड़े। ठीक है, और मैं अपने पूरे सब्सक्राइबर को कह रहा हूँ, मेरी 2-3 ही आइडिया है जिनके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लगे होते हैं, टिकटॉक की भी, इंस्टाग्राम की भी, और मेरी फेसबुक की भी, इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना बाबा का अकाउंट है, ना अम्मा का अकाउंट है, बाबा के पास मोबाइल ही नहीं है, हमारा दोनों का हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। हैदर के अकाउंट का आपको पता है, गजल के अकाउंट का आपको पता है, इसके अलावा हमारा कोई अकाउंट नहीं है। अगर इन अकाउंटों में से किसी अकाउंट का मैसेज आया ना कभी पैसों का, स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपका देनदार हूँ, जहाँ बिठा के चित्र मारोगे मैं चित्र खा लूंगा। और मैं हमेशा जब कुछ किसी को देना होता है मैं अपने बेटे से कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेता हूँ, जब मेरे हाथ बस में होता है मैं चुपके से कर लेता हूँ, जो मेरे हाथ बस में नहीं होता मैं आ जाता हूँ अपनी ऑडियंस के सामने और वो मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं, जैसे भी मदरसे के लिए दिया था। ठीक है, खुदा का खौफ करो कि डूब के मर जाओ, अगर आप लोग ये पैसों के लिए भी कर रहे हो, अगर मुझे जो है ना गंदा करने के लिए भी कर रहे हो, लाख की लानत बेशुमार। ठीक है, ये एक अवेयरनेस मैसेज है कि ये स्कैम हो रहे हैं। रज्जा फैमिली चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरा हर पेज पे ट्रेंडिंग पे जा रही है, कोई तस्वीर लगाता है, कोई वीडियो लगाता है, उसके लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने गुड्डी चढ़ाई है, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्रिया मेरे मालिक का। ठीक है, लेकिन तुम इस तरह पीछे मत पड़ो, तुम लोग जो है ना मेरी तस्वीरें लगा दिए, खुद को कैश करने की कोशिश ना करो। ठीक है, और आप सब जो मेरी ऑडियंस है, जो रजत फैमिली है, वो ये याद रखे कि रजत कभी इस तरह का काम नहीं करेगा, ना पैसे मांगेगा। वो अपना नंबर तक नहीं आता, वो कैसे वीडियो बनाएगी, छोड़ो, मेरे को मोबाइल नहीं है, माँ मेरी को जो है ना वो इंस्टाग्राम की आईडी क्या बनानी आती है, उनको एक वॉइस मैसेज नहीं करना आता, बहुत मुश्किल से नहीं पता तो मैंने बाल्टी की बाल्टी बता सिंट बोला। हाँ जी, बेहतरीन। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काइंडली आप लोग इस चीजों से बचें, और अगर ये फ्रॉड हो रहा है ना तो मुझे स्क्रीनशॉट पे जाकर मैं उस आईडी को रिपोर्ट करूं। थैंक यू, लव यू ऑल।
जो इन सब स्क्रीनशॉट्स के बाद मैंने उनको रिप्लाई किया वो तो मैं आपको सुनाना भूल गया। ये देखें, लाहौर वाला कुवत अल्लाह बिल्ला अल्लाह माफ़ अल्लाह माफ़ करे। किसी ने आपके नाम की आईडी बना के तो वो रेबर बच्चे नहीं थे जो है स्पेशल चाइल्ड, उनकी अम्मा को मैसेज कर रहे हैं कि माँ जी के नाम से आईडी बनाई इंस्टाग्राम की, उनको मैसेज कर रहे हैं कि मैं 20,000 से रोज सेंड करें और वो उनसे बात करें और उनके आज वीडियो कॉल करें। आप उनको डाउट पड़ा था उन्होंने मैसेज ये चेक करो, आप 20,000 रुपये मांग रहे हैं उनसे। आप ही अम्मा जी को आई डी नहीं है और ये हमारा जाने वाला नंबर नहीं है, काइंडली आप किसी ऐसे बंदे पर यकीन ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मम्मी को अब्बू को सबको सलाम दे दे। और मैं यही परेशान हो रही थी, असल में मैं मेरे वो मतलब की बात की ना उन्होंने, मैंने कहा हाँ मैं मिलना है, बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, मेरे बच्चे बहुत याद कर रहे हैं ना उनको सबको, तो बस मैं भी बात करी थी, मैंने माँ जी बात करी है, तो बात करते करते फिर आगे जाकर उन्होंने मुझसे ये सब बातें की है ना, तो अब मैं एक नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ, मैं यही पूछना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, सलाम सबको दीजिएगा। मैंने आगे से रिप्लाई किया है फौरन ब्लॉक कर दे, उन्होंने कहा जी जी कर रही, ठीक है माफी दे दो, ताकि मेहरबानी मेरे पीछे ना पाओगे जाते होके, या मेरे सामने आओ तो या फिर काम ना करो। अच्छा यार काफी अफसुरदा सा माहौल हो गया, हमारे व्लॉग्स मशहूर हैं लोगों को थेरेपी देने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिप्रेशन फैला दिया है ना, लेकिन क्या करें, आवाम को अलर्ट तो करना था ना व्हाट्सएप, कोई जरा कोई फनी चीज, कोई जरा मजेदार सी बात ही सुना दो यार। आई एम नो फुर्सत बनाए मेहरबानी करके, माई गॉड, अरे कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब है कि प्लीज मुझे मोटरसाइकिल, समझ नहीं लगी दोबारा, प्लीज हमारी मोटरसाइकिल लेके दो। अगर आप ये लाइन मुझे इंग्लिश में कहेंगे मैं आपको सुबह ही बाइक ला दूंगा, इंग्लिश में पूरी। आई एम बाइक पापा मैंने आपको ना कोई 2-3 दिन के बाद बाइक ले देनी थी, अब नहीं ले देनी। आई एम बाइक अब नहीं है क्या? मैं चुप करके जाऊंगा, तेरा शरारती कार्ड ले जाऊंगा, उन्होंने कुछ कहना नहीं, उन्होंने कहना कि बरसा पे है ना, यूं कभी ले जाओ कोई गल नहीं, अभी बरसा को पहले लेंगे यार। पता सही सही आपकी मेहरबानी है, आप कोई एक लाइन इंग्लिश की फ्लो में सीधी सीधी बोलते हैं जो आपका दिल करता है, आपको बाइक ले दूंगा 2 दिन के बाद ले दूंगा। I love you. लाइन तो ठीक बोलती है यार, लाइन तो ठीक। अब आप बोलो इंग्लिश, आप बोलो, आप डांस करो ना, इंग्लिश बोलो। किस चीज की? जो आपका दिल करता है पूरा एक सेंटेंस बोल दो सही लाइन में, एक्यूरेट। कंट्रोल योरसेल्फ जल्दी प्लीज। ओके यार थैंक यू यार पापा, आपने जो है ना वो एक डिप्रेशन वाले व्लॉग में कुछ फनी कंटेंट डाल दिया, लेकिन जो आई एम बाइक था ना, आई एम बाइक बढ़िया था यार, बढ़िया था। क्यों भाई? आई एम की सी आप ऑर्डर लगाओ, सारे अकाउंट्स के नॉमिनी ही आप हो, सुबह मैं शोरूम खड़ा कर दूं बाइक का, ऑर्डर लगाओ। हमको एक ही लेके दो, शोरूम खड़ा एक ही लेके दो। आई प्रॉमिस शादी से फ्री होते ही आपकी बाइक आ जाएगी, ठीक है? फ्री होते ये शादी से, ये वाली शादी 26 फरवरी से। अपनी सालगिरह आप ही याद करा रहे हैं, ताड़ा मेरा प्रॉमिस, ताड़ी बाइक वक्री आएगी, 26 फरवरी वक्री सेलिब्रेट होगी, आपकी बर्थडे अलग सेलिब्रेट होगी। मेरी जान तू यार बाटे, यार तू बड़ा बाटे यार, कैसी गल्ला कर रहे हैं, आपकी बर्थडे 26 फरवरी अलग सेलिब्रेट होगी जो कि आपकी बेगम स्पॉन्सर करेगी, ठीक है? और आपकी बर्थडे से पहले पहले आपकी बाइक मैं अलग दूंगा, ठीक है? ओके, अगर जिंदगी रही तो अब इसी खुशी में व्लॉग आज इंग्लिश में एंड कर दो। दोबारा आई व्लॉग एंड। ओके अच्छा जी एक मिनट, नहीं मैं बोलूंगा, आपने मेरे पीछे पीछे बोलना, लेकिन इंग्लिश में बोलना, ठीक है? नहीं मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश पढ़ी तो डीसी लॉर्ड वाला। अच्छा जी व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, बोलो यार। अच्छा जी व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, व्लॉग करते हैं यहाँ एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा अपना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, यार पापा मेरी बात सुनो, आपकी चलती है बदमाशी, ये लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 1 मिलियन कम्प्लीट कर रहा है मैंने। अच्छा जी कैसे होगा बताओ? ग्यारह मारे से पहले
आपको याद है डेट? 11 मार्च से पहले पहले सरप्राइज करें और नंबर ज्यादा से ज्यादा दें, 1 मिलियन कंप्लीट करें। वड्डा प्रोग्राम फिर होएगा, 1 मिलियन कंप्लीट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, और ये जो स्कैम्स है ना स्कैम्स, इनसे बच के रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।